हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं शर्मकम एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर लेकर आए हैं, और ये जो आपका पेपर है ये प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 का है। तो बिल्कुल इसी की भांति आपको 1 मार्च को इंग्लिश का पेपर देखने को मिलेगा। तो आप इस पेपर को बड़ी ही केयरफुली तरीके से देखें, यहाँ पर मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो इसके जरिए आप जो 1 तारीख को पेपर होगा उसे आप आसानी से कर सकेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि टाइम जो आपका 3.15 है कि आपका 3 घंटे 15 मिनट समय दिया होगा, और जो मैक्सिमम मार्क होंगे यानी कि 70 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं सबसे पहले सेक्शन पार्ट ए पर। ठीक है ना, इसमें लगभग 4 पार्ट होंगे। तो देखिए, आपका जो पहला पार्ट होगा वो होगा आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो फॉलो। तो आपको एक अनसीन पैसेज देंगे और उसी अनसीन पैसेज में से आपको एक एक दो या तीन लगभग 3 क्वेश्चन पूछेंगे समथिंग। तो आइए देखते हैं वो 3 क्वेश्चन। तो आप इसे बड़ी ही केयरफुल्ली तरीके से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आप आंसर छांटेंगे। तो देखिए, द नरेटर वेंट ऑन हिज फर्स्ट ट्रिप व्हेन ही वाज। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि जब नैरेटर यानी कि वर्णन करता वेंट गया था ऑन हिज फर्स्ट ट्रिप, अपनी पहली यात्रा पर व्हेन ही वाज, जब हुआ था कितना। देखिए, ए यंग मैन ऑफ 20 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पर दिया कि व्हेन आई वाज 20 ईयर्स ओल्ड। तो आपका जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा कौन सा, डी नंबर वाला। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द राइटर लुक्ड अप व्हेन। तो जब आप अनसीन पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आंसर खूब बाखूबी पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर है क्या, द राइटर लुक्ड अप व्हेन। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कौन सा, डी नंबर को ज्यादा। हम वॉइस वॉज सडनली हस्ड अप। जब आप उसे आसानी से पढ़ेंगे तो आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। फिलहाल में थर्ड क्वेश्चन होगा क्या, द वर्ड मीन मैग्निफिशेंट मीन्स। तो मैग्निफिशेंट का मतलब क्या है, हम्बल स्प्लेंडेड डिसेंट या एंशियंट। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो मैग्निफिशेंट मीन्स होता है शानदार। तो इसका हो जाएगा क्या, स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड मीन्स भी शानदार होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया, आइडेंटिफाई द वर्ड स्टेट। तो इस सेंटेंस में आपको ये ढूंढना है कि जो आपका स्टेट है वो क्या है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या प्रोनाउन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो स्टेट शब्द है ये एडजेक्टिव के बाद में जो आपका शब्द आता है वो क्या है, नाउन ही होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा नाउन। ठीक है, तो आपका इसमें क्या है, ये स्टेट, ये नाउन है। फिर सी हैज टू द पार्टी, तो गो होगा वेंट, गोन या गोइंग। तो यहाँ हैज आप देख रहे हैं तो ये हैज प्रेजेंट परफेक्ट की सक्रिय, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, गोन आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, आई वांट टू बाई कंप्यूटर नेक्स्ट वीक। तो एन द ए या नो आर्टिकल, तो इसमें से आपको सही विकल्प भरना होगा। तो आई वांट मैं चाहता टू बाई खरीदना क्या, ए कंप्यूटर। तो आपका आ जाएगा क्या, ए कंप्यूटर। ठीक है ना, नेक्स्ट है ट्रेवलिंग माई एंड आर मदर फाउंड ऑफ फादर। जो आपका रीऑर्डरिंग देख लिखा है कि रीऑर्डर द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर। तो देखिए इसमें आपको रीऑर्डर करना है, तो रीऑर्डर में सबसे पहले क्या है कि सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है कि माई मदर, ठीक है, एंड फादर आर फाउंड ऑफ ट्रेवलिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सी बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल्ड। तो मिस स्पेल्ड आपको छांटना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये देखिए सर्वेंट, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही मीनिंग है आपकी सर्वेंट नौकर की, ये एस ई आर वी ए एन टी। फिर क्वेश्चन नंबर जो डी होगा वो आपका टेक्स्ट बुक से होगा, पैसेज होगा। देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो आपको ये आपको एक पैसेज देंगे और उसी पैसेज से आपको क्वेश्चन आंसर छांटने होंगे। तो देखिए इसमें आप देख रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन आंसर आपको छांटने होंगे। ठीक है, जैसे हाउ डिड द पीपल इन गोवा लुक एट द वेकर। तो इसमें जो आपका एज ए फ्रेंड, एज ए कंपेनियन, एज अंकल, एज फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये डी, एज फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड, तो यही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द नरेटर लॉन्ग्ड फॉर ब्रेड, बिस्कुट, लोब्स ऑफ ब्रेड या वर्ड ब्रेड बैंगल्स। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ब्रेड बैंगल्स। तो ब्रेड बैंगल्स देखिए ये लिखा है आपका, ब्रेड बैंगल्स। तो क्वेश्चन नंबर फिर 11 to 13 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द इनॉग्रेशन वॉज टेकन प्लेस इन। तो देखिए कैपिटल ऑफ बिल्डिंग, द गवर्नमेंट बिल्डिंग इन प्रिट्सिया, द लवली सेंट स्टैन एम्पी थिएटर, द एम्पी थिएटर। तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा क्या, सी। ये जो क्वेश्चन है आपका ये 2nd चैप्टर से, नेल्सन मंडेला से। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बस लुक्ड फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड एज।
तो बताइए प्रेजेंटेबल शाइनिंग न्यू या ग्लीमिंग, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी नंबर ग्लीमिंग, वो बस चमक रही थी। गौतम बुद्ध गेव द फर्स्ट सरमन एट, तो यहाँ पर क्या बनारस, यानी अपना उन्होंने पहला उपदेश जो दिया था कहाँ, बनारस दिया, ना काशी ना बुद्ध गया और ना लखनऊ, कहाँ दिया था बनारस में। फिर रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आपको स्टेंजा देंगे, स्टेंजा में से आपको क्वेश्चन आंसर छांटने होंगे। तो व्हाट डज द वर्ड लैंग्वेज टेल अबाउट द सी, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा क्या यहाँ पर, इट इज ए पीसफुल। नेक्स्ट है व्हाट डज द गर्ल विद टू बी, तो यहाँ पर ए मरमेड, ए वर्ड स्विमर या ए सी, तो यहाँ पर आंसर जी हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए मरमेड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु वाज मिसेस पंपरी, मिसेस पंपरी कौन थी, तो मिसेस पंपरी एक मालकिन थी, किसकी, डॉग की, ठीक है, तो हो जाएगा क्या द मिस्ट्रेस। वेयर डिड ही स्टे एट आइपिंग, तो ये साइंटिस्ट जो है ना वो ठहरा था कहाँ पर, एक सराय में ठहरा था, ये सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है बोली वाज द डॉटर ऑफ, बोली पुत्री थी किसकी, तो बोली जो पुत्री थी वो थी किसकी, तहसीलदार रामलाल की, ठीक है ना। फिर है एट द पार्टी मटिल्डा वाज ग्रेट सक्सेस बिकॉज ऑफ हर, तो वो देखिए इसका आंसर सीधा बताया जा रहा है क्या, कि हर ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस। और लास्ट है रिचर्ड आइब्रिट वाज, तो जो रिचर्ड आइब्रिट थे वो कौन थे, वो एक थे कौन, एक साइंटिस्ट थे, रिचर्ड आइब्रिट कौन थे, एक साइंटिस्ट थे। फिर पार्ट भी रीडिंग है, तो रीडिंग में भी आपको कुछ एक पैसेज दिया जाएगा, उसी से आपको क्वेश्चन आंसर छांटने होंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, फिर उसी क्वेश्चन, और फिर राइटिंग आपको होगा, तो राइटिंग मीन्स आपको एक लेटर लिखना होगा, ठीक है, या एप्लीकेशन और या फिर एक लेटर लिखना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा राइट ए रिपोर्ट टू टीचर्स डे सेलिब्रेशन योर स्कूल 8100 वर्ड, तो आपको एक निबंध लिखना होगा जो लगभग में समथिंग 80 से 100 वर्डों का होगा। फिर आपका ग्रामर सेक्शन आ जाएगा, तो ग्रामर में आपको देखिए सबसे पहले रीड राइट द फॉलोइंग द चेंजिंग इनटू डायरेक्ट स्पीच, मोहन सेड द हिज, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, तो आपको मैं बता दें मोहन टोल्ड हिज फ्रेंड, कंजंक्शन लग जाएगा दैट, आई को चेंज करेंगे मोहन के अनुसार ही, हैव को कर देंगे हैड, फिनिश्ड और माई को मोहन के अनुसार हिज वर्क, तो इस प्रकार से आपका इंडक्टर बन जाएगा। फिर चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, आई नो यू वेरी वेल, तो यू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह यू आर नॉन टू मी वेरी वेल, तो क्या हो जाएगा यू आर नॉन टू मी वेरी वेल, पंक्चुएट हो जाएगा द ग्रेटर, सॉरी द गार्डनर सेड टू मी, इनवर्ट कॉमा बिगिन हो जाएगा, डी कैपिटल हो जाएगी, नॉट टच द फ्लावर्स फुल स्टॉप, इनवर्ट कॉमा क्लोज हो जाएगा। फिर आपका एक स्टोरी होगी, तो स्टोरी को आपको सॉल्व करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ होगा लिटरेचर से होगा, देखिए लिटरेचर में आपको आपको एक शॉर्ट आंसर करना होगा, ठीक है। देखिए लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स, तो दो में से किसी एक का आंसर देना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो सातवां होगा वो आपका एक लॉन्ग आंसर होगा, ठीक है, दो दिए हुए दो में से कोई एक करना होगा। सातवां क्वेश्चन होगा ये आपका होगा क्या कि राइट डू एनिमल्स नॉट बी फॉर देयर सेंस, तो यहाँ पर आपको आंसर देना होगा। फिर आठवां क्वेश्चन देखिए क्या होगा, सेंट्रल आइडिया लिखना होगा आपको। नौवां क्वेश्चन होगा आपको शॉर्ट आंसर दिया होगा, उसमें से दो में से एक करना होगा। और दसवां जो होगा आपका ये लॉन्ग आंसर आपका होगा, तो दो में से कोई एक करना होगा। तो इस प्रकार से यह आपका पूरा पेपर मैंने आपको बताया। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।